हरी हरी बोल। मेरा नाम कविता कुकरेजा है, मैं देहरादून से हूँ और मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन हैं, मेरे दो बेटे हैं। 2019 से मैं गोलक एक्सप्रेस फीन जी के माध्यम से रजनी जी के ग्रुप से जुड़ी। हमारा ये सत्संग ऑनलाइन फोन के माध्यम से कराया जाता है और इसमें कई प्रांतों के लोग जो हैं और यहाँ तक विदेशों के लोग इस सत्संग को ऑनलाइन सुनते हैं। और हमारे इस सत्संग में हमें सिखाया गया है कि कार्तिक मास का क्या महत्व है और कार्तिक मास में हमें किस तरह पूजा पाठ अर्चना सेवा सत्संग और धाम की यात्रा का हमें हजार गुना उसका पुण्य मिलता है। मेरी भी डिज़ायर हुई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे भी वृंदावन जाना है। और इस तरह मैं दूसरे दिन निखिल जी का सत्संग अटेंड करके मैं वृंदावन के लिए रवाना हुई। और मुझे इस सत्संग के दौरान पता लगा कि हमारे इसमें गुलकियन सीनियर डिवोटी जो चंडीगढ़ से हैं वो भी वृंदावन जा रहे हैं और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मैंने उन्हें मन में बोला भगवान से कि हे भगवान, मुझे अपने दर्शन के साथ साथ मुझे अपने गोलकियन परिवार विजय अंकल और अविनाश आंटी के भी दर्शन करा देना। और इस तरह हम लोग जब बांके बिहारी पहुँचे और हमने बांके बिहारी के जब दर्शन किए तो मैं फूले नहीं समाई और भगवान के साक्षात दर्शन करके मैं इतनी आनंदित हुई। लेकिन भीड़ में मैं विजय अंकल और अविनाश आंटी को देखने लगी कि कहीं मुझे कोई नज़र आ जाए, लेकिन मुझे बांके बिहारी की मंदिर में कोई नज़र नहीं आया। इस तरह हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए, वहाँ पर भी मैंने प्रभु के साक्षात दर्शन किए और वहाँ पे भी मैंने भीड़ में देखा मुझे अविनाश आंटी और विजय अंकल नहीं दिखे। लेकिन मैंने प्रभु के ऊपर अपना विश्वास जो है दृढ़ रखा और मुझे मालूम था मेरे प्रभु मुझे ज़रूर उनसे दर्शन कराएंगे। और इस तरह मैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर मैं गिरिराज के मंदिर में मैं जैसे ही एंटर हुई तो सामने से एक परिवार वापस दर्शन करके आता है और मुझे भगवान इस तरह संकेत दे रहे हैं और ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरा अपना गोलकियन परिवार है। और धीरे धीरे मैं उनके आगे रुक जाती हूँ और मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप विजय अंकल हो, तो वो मुझे बताते हैं हाँ जी मैं विजय अंकल हूँ। और इस तरह मैं हैरान हो जाती हूँ और मैं भगवान का चमत्कार समझती हूँ कि हे भगवान, ये कैसा तेरा चमत्कार है कि मैंने कभी भी सत्संग के लोगों को ना देखा है। हम सिर्फ ऑनलाइन ही सत्संग को सुनते हैं और किस तरह आपने उस सत्संग की जो खुशबू है वो महका रखी है और मुझे संकेत दिया कि यही हमारे सत्संग के डिवोटी हैं। और इस तरह मैं उनसे मिली, मैं बहुत सारा खुश हुई और भगवान का मैंने आभार प्रकट किया और भगवान ने मेरे विश्वास की लाज रख ली। और इस तरह हम लोगों ने वहाँ पे हरि नाम किया और उनसे बातें करी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग सदियों से एक दूसरे को और इस सत्संग की लोगों को जानते हूँ। और मैं ये सारा श्रेय अपने गुरुजनों को देना चाहूँगी, उन्हीं की वजह से मेरी यात्रा जो है सफल हुई। और न शास्त्र पर न धन पर न किसी युक्ति पर प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल।